सो गाइस आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो मेरा सुंदर सा गांव। तो चलो आगे आगे चलते और आपको आगे आगे भी दिखाते हैं। लेट्स गो गाइस। बाघ वगैरह आते हैं, मुझे डर भी लग रहा है और कहीं वहाँ पे। गाइस ये देखो रास्ता कैसा है, मैं ब्लॉग बनाने के चक्कर में यहाँ से वैसे जा भी नहीं जाएगा, कोई नहीं है वहाँ पे। गाइस मैं जा रही हूँ वापस, मुझे लग रहा है डर। तुम लोगों को ना ऐसे बैक कैमरा। सो गाइस अभी मैं निकल गई हूँ वॉक करने के लिए, तो देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं। तो गाइस अभी मैं आई हूँ, ये देखो गाइस। हेलो। सो गाइस अभी हम वॉक कर रहे थे तो रास्ते में आता शमशान घाट, तो आप देख लो। गाइस देखो कितनी अच्छी लाइंस लिखी है, अगर किसी चीज का घमंड आ जाए तो शमशान घाट का चक्कर जरूर लगा लेना। गाइस ये है हमारे गांव का शमशान घाट। और गाइस एक वो भी है और सामने से आप देख सकते हो कितना ही सुंदर व्यू है, और वहां पर महादेव जी का मंदिर है। और जो ये साइड देख रहे हो ना, ये अलग गांव शुरू हो जाता है, इधर वाला गांव हमारा, इधर वाला और बीच में। यहाँ पे बरसात के टाइम पे बहुत पानी आता है गाइस। और गाइस मैं बहुत लंबे टाइम के बाद ऐसे घर से बाहर वॉक करने के लिए निकली हूँ, वो भी अपने गांव में। वैसे तो गाइस कॉलेज से घर, कॉलेज से घर, बट ये जो है ना, मैं आपको साइड का व्यू चेक करवाती हूँ, बहुत ही सुंदर है गाइस, एकदम माइंड बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छा फील होता है। तो अभी आगे आगे चलती हूँ। वैसे गाइस यहाँ पर ना, मतलब जब हम आगे जा रहे थे, एक बहुत ही प्राचीन कुआँ है, बहुत सुंदर है और उसकी अपनी एक हिस्ट्री भी है। मैं वहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही थी इनको कि चलते हैं, बट ये माननी नहीं गाइस। तो अभी मैं थोड़ी जिद करके देखूँगी, अगर चले तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, अगर नहीं चले तो नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी, पर ज़रूर दिखाऊँगी। तो अभी चलते और आपको आगे का व्यू दिखाती हूँ। गाइज ये देखो, ये वाले फ्लावर्स को ना हमारे साइड चड़ेल बूटी कहते हैं, आपकी साइड क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। ये पिंक में है, वो थोड़े हैं। गाइज जब हम छोटे थे ना, मैं तो इसके साथ खेलती थी, मतलब इसको कान में डाल लेना ऐसे वैसे, बट इसको चड़ेल बूटी बोलते हैं। क्या आप भी आपकी साइड पे ही बोलते हैं, कमेंट करके बताना। तो गाइज अभी हम आधे रास्ते पहुँच चुके हैं। बाकी ये जो आप पेड़ देख रहे हो, रुको मैं आपको बैक कैमरा कर। गाइज यहाँ से नीम के पौधे स्टार्ट होते हैं और सारे लाइन वारी वही लगे हुए हैं। और जो आप वो सामने देख रहे हो वो है कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज। और गाइज अभी बहुत सुंदर 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 बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अलग ही वाइब आ रही है वॉक करने में। बस गाइज जो मुझे दिखाना है आप लोगों को, वो कुआँ है। मैं बहुत छोटी थी तब मैं वहाँ पे गई थी, अभी मैं जाना चाहती हूँ। एक मिनट गाइज, मुझे कोई देख रहे हैं लोग, तो मैं ब्लॉग ज़रा बंद करती हूँ फिर स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस अभी जो कुआँ है वो आगे है और एक मंदिर भी है बहुत प्राचीन, पर मैं कभी गई नहीं हूँ वहाँ पर। तो अभी देखते हैं ये लोग जाते हैं नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी थोड़े टाइम में बहुत अंधेरा भी हो जाएगा। और गाइस ये जो एरिया है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे तेंदुए वगैरह भी घूमते रहते हैं, इनफैक्ट वो तो हमारे घर तक भी आ जाते हैं, तो ऐसा डर ही लगता है गाइस। इतनी जल्दी मरना नहीं है मुझे, डर तो नहीं लगता है पर डर लगता ही है गाइस, डर तो लगता है। तो अभी देखते हैं ये लेके जाते हैं नहीं। बाकी मेरा तो बहुत मन है वहाँ पे जाने का, जो टेंपल है वो देखने में इतना सुंदर सा लग रहा है, बट मैं कभी नहीं गई वहाँ पर। तो अभी रिक्वेस्ट करके देखती हूँ गाइस अगर मान जाते हैं ये लोग। बाकी आप मेरे पीछे का व्यू देखो, बहुत ही सुंदर है। सो गाइस आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो मेरा सुंदर सा गांव। तो चलो आगे आगे चलते और आप।
गाइस कुआं तो दिख गया पर मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा कि जाऊं कहां से। आपको दिखाती हूं, मच लाइक कैमरा में नहीं दिख रहा है पर कहां गया, यहां से तो गायब ही हो गया। उस साइड है पर रास्ता नहीं हमें समझ आ रहा। हम ना इस साइड से जाना चाहिए था पर हम इस रास्ते से आ गए हैं। आगे सारा कच्चा रास्ता है, रास्ता ये पता नहीं कहाँ ले जाएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा कब कैसे जाए। गाइस ये देखो रास्ता कैसा है, मैं ब्लॉग बनाने के चक्कर में यहाँ से वैसे जा रही हूँ, ये रास्ता बड़ी मुश्किल से मिला है। तो चलो चलते हैं गाइस, और मैं अकेली जा रही हूँ, ये दोनों थक चुके हैं तो ये कह रहे मैं नहीं जाऊँगी, मुझे डर भी लग रहा है पर चलो चलते हैं, मैं नहीं डरती, राजपूत हूँ। गाइस ये देखो कैसा रास्ता, अभी चलते हैं। मम्मी गिर गई, नहीं गिरी। वहां से उतर के आई हूँ मैं, अकेली जा रही हूँ गाइस जंगल में, जंगल है गाइस ये, कोई नहीं मेरे साथ आया, कहते तुझे ब्लॉग बनाना है, तुझे दिखाना है गाइस को, तू अकेली जा हम नहीं आ रहे। देखो गाइस कैसे है, मुझे अकेली छोड़ दिया। पर गाइस सच में यहाँ पर बाघ वगैरह आते हैं, मुझे डर भी लग रहा है, और कहीं वहाँ पेड़ पर बैठो मुझे डर। जो चीख चूक मारी था आ जाओ बचाण मैनो। हाँ है क्या है, यस तो चल गाइस, रास्ता तो सच्ची में नहीं है। मेरा मन कर रहा है गाइस मैं वापस चली जाऊं, गाइस वो कुआं है तो मेरे को सच्ची में डर सा लग रहा है जाने में, मेरे से जाया नहीं जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि सच में यहाँ पर तेंदुआ वगैरह होता है, क्या पता हो। और उधर से मम्मी बोल रहे जल्दी आ जा, इतनी हिम्मत नहीं है मेरे में कि मैं अकेली चली जाऊं। अगर तेंदुआ वगैरह का नहीं होता ना कि वो है इस साइड, तो मैं चली भी जाती, कहीं पेड़ पर ना बैठा हो, मेरे से तो भागा भी नहीं जाएगा, कोई नहीं है वहाँ पे। गाइस मैं जा रही हूँ वापस, मुझे लग रहा है डर। तुम लोगों को ना ऐसे बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, मैं नहीं जा रही भाई वहाँ पे अकेली, मुझे मरने का शौक नहीं है। फिर कभी किसी दिन आएंगे जब कोई साथ में होगा तब अच्छे से आपको हिस्ट्री भी बताऊंगी और दिखा भी दूंगी। अभी चलते हैं, मुझे डर सा लग रहा है, अच्छी वाइब नहीं आ रही। तुम लोग देख लो गाइस ऐसा कुआँ है, इसके अंदर पानी जो है वो मीठा पानी है, और ये जो आप देख रहे हो ना ये सारा जंगल है, मतलब और भी ना मेरे गांव में से बहुत सी जगह है जो बहुत प्राचीन है, मतलब बहुत कुछ है गाइस मेरे गांव में देखने लायक, तो बहुत आगे आगे जाकर है। मैं एक बार बचपन में गई थी, पर आप इसको देख लो, और इधर से ना मेरे घर को रास्ता भी जाता है। तो फिलहाल चलते हैं, ये देखो ये इधर से सड़क, इधर भी लोगों के घर भी हैं गाइस, बहुत जंगल टाइप है बट। तो हाँ गाइस मैं आ गई वापस, मतलब हमारे ना कुछ दिनों से लाइक 15 दिन से बहुत शोर है कि तेंदुआ आता है लोगों के घर के बाहर, और हमारे घर के बाहर भी गाइस, मतलब घर के बाहर नहीं पीछे खेत है वहाँ पर आया था, तो इस साइड तो वो रहते ही रहते हैं इस साइड, तो क्यों रिस्क लेना गाइस। ठीक है मैं कच्चे रास्ते पे जावा, मैनू डर लगे अगर तो मैं थोड़े नाल ही आ गई। गाइस देखो आप लोग कितना रास्ता उबड़ खुबड़ वाला, यहाँ पे चढ़ते हैं इसको पकड़ के, अब चढ़ गई, उतरने टाइम नहीं, इतना जा रहा था गिरना जो
चलो गाइस। तो गाइस अगर तेंदुआ मुझे बाई चांस खा भी जाता तब भी आपको ये ब्लॉग देखने को मिल जाता, क्योंकि मेरे चाची जी है वो भी यूट्यूब पे ब्लॉग डालते हैं, उनकी जो पीछे से बोल रहे हैं गाइस, कहते हैं ऐसा मत बोल, तो अगर मेरा नहीं आता तो उनका आ जाता, उनका आ जाता, तो आप उनका देख लेना गाइस। मैं यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, फिर क्या कहते हैं, मैं तो नाम ही भूल गई किस में देते हैं, रुको यार सॉरी गाइस, मैं डिस्क्रिप्शन भूल गई थी, कैसे इसको ऐसा बोलते हैं, एक तो बहुत टाइम के बाद ब्लॉग बना रही हूँ तो सब कुछ ही भूल गई हूँ मैं तो। हाँ तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनको आपके चैनल का लिंक दे दूँगी, तो आप जल्दी से जाओ उनको भी सब्सक्राइब करो और फुल सपोर्ट भी दिखाओ गाइस, जल्दी से उनके सब्सक्राइबर बढ़ा दो गाइस। तो अभी हम बस घर को जा रहे हैं वापस, थक गई हूँ गाइस आज मैं बहुत ज़्यादा, पर बहुत अच्छा फील हुआ। अब आपको क्या दिखाऊं गाइस, मेरा गांव बहुत बड़ा है, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा गांव है गाइस, बहुत बड़ा। तो अभी हम घर जा रहे हैं गाइस। ये देखो कड़ी पत्ता, शहर के लोग इसको बाजार से खरीदते हैं, हमारे गांव में ये ऐसे लगा होता है। गाइज़ ऐसे तो ना मेरे एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो वैसे मैं और वैसे भी मैं स्टडी में बहुत बिजी थी, तो मैंने ब्लॉगिंग वगैरह ऐसे छोड़ ही दी थी गाइज़, एक तरह से सोशल मीडिया से ब्रेक ले ली थी, बट मुझे हुआ कि यार क्यों छोड़नी ब्लॉगिंग, मतलब मैं ऐसा ये सब फेम के लिए नहीं करती हूँ कि यार मेरे को फेम मिले, चलो सब्सक्राइब के लिए बोलती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर दो, इसलिए हाथ दुखने लग पड़ा गाइज़। एक मिनट,